Hi everyone, welcome you all. In this lecture, we will discuss the evaluation of complete solution of Lagrange's linear partial differential equation for a mixed type of problem. In previous two lectures, we already discussed the evaluation of this type of partial differential equation by the method of grouping only and method of multiplier only. But in this lecture, we have worked on some problem which has a mixed nature, means to solve the Lagrange's partial differential equation, we have to find the two solutions. And in some type of problem, the two solutions can be found by using a grouping method separately or the methods of multiplier separately. But in some example, one solution can be obtained by using a grouping and second solution is not possible for grouping method. So therefore, here we have to use the multiplier method to obtain the second solution. So today, we will work on such type of problems. For that, we have to use both the method simultaneously to obtain the two solution. So let's start with the example. Solve zxp minus zyq is equal to y square minus x square. तो ये मेथड से क्या करेंगे, हम ट्राई करेंगे कि सॉल्यूशन निकालना, दो सॉल्यूशन हमको निकालने हैं और हम देखेंगे कि अभी यहां पे कौन सी मेथड यूज होगी दो सॉल्यूशन निकालने के लिए, और वो प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त आपको समझ में आएगा कि मेथड ऑफ ग्रुपिंग निकालना है या मेथड ऑफ मल्टीप्लायर यूज करना है। तो लेकिन सबसे पहले उसके लिए क्या होना, आपको लैग्रेंजियस इक्वेशन होगा, और अगर आप इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करेंगे तो वो उसी फॉर्म में है, पीपी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर, मतलब लैग्रेंजियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वो है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर वन, ठीक है, विच इज लैग्रेंजियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करना है। सो कंपेयरिंग विथ अ जनरल फॉर्म, सो व्हाट इज द जनरल फॉर्म, द जनरल फॉर्म इज पीपी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर वी गेट। सो व्हाट इज द वैल्यू फॉर पी, वी गेट पी इक्वल टू जेड एक्स, क्यू इक्वल टू माइनस जेड वाई एंड आर इक्वल टू वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। सेकेंड स्टेप में हमको क्या करना है, हमको लैग्रेंजेस का ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना है। सो लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, डी एक्स बाय पी इज इक्वल टू डी वाई बाय क्यू इज इक्वल टू डी जेड बाय आर। यहां पे क्या करेंगे, हम पी क्यू और आर के वैल्यूज पुट कर देंगे। सो डी एक्स अपॉन पी, व्हाट इज द वैल्यू फॉर पी, जेड एक्स, डी वाई अपॉन क्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू, माइनस जेड वाई एंड डी जेड अपॉन आर, व्हाट इज द वैल्यू फॉर आर, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, इसको बनाएंगे हम इक्वेशन नंबर टू। फिर इसके बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन का यूज करके हमको दो सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। पहले तो हम ग्रुपिंग के मेथड से ट्राई करेंगे, और अगर ग्रुपिंग से पॉसिबल नहीं है तो हम मल्टीप्लायर के मेथड ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम ग्रुपिंग से देखेंगे। तो आपको मालूम है कि इक्वेशन सॉल्व करने के लिए तीन ग्रुप पॉसिबल है, लेकिन ग्रुप लेने के लिए भी वो स्पेसिफिक कुछ वैल्यूज होती है, कंडीशन होती है कि आप वही ग्रुप ले सकते हैं। अगर ये टर्म नहीं है तो आप वो ग्रुप कंसिडर नहीं कर सकते हैं। तो हम वैसे यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि कौन सा ग्रुप पॉसिबल है और कौन सा ग्रुप पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को कंसिडर करते हैं, रेशियो को कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पर एक्स और वाई प्रेजेंट है, इसलिए मुझे एक्स और वाई चाहिए। तो यहाँ पर एक्स और वाई प्रेजेंट है, लेकिन वहाँ पर एक थर्ड वेरिएबल भी प्रेजेंट है जो कि जेड है। लेकिन अगर आप बराबर ऑब्जर्व करेंगे
तो यहां पे भी जेड है, यहां पर भी जेड है, तो दोनों साइड में सेम जेड का पावर है, तो दोनों साइड का जेड हम कैंसिल कर सकते हैं। तो अगर इस जेड को हम कैंसिल करेंगे तो हमें एक्स और वाई बचेगा हमारे लिए, और इसीलिए एक्स और वाई के साथ एक्स और वाई बचेगा, तो इसीलिए ये ग्रुप पॉसिबल है। तो हम ये ग्रुप अभी कंसिडर करेंगे। सो कंसिडर डी एक्स अपॉन जेड एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस जेड वाई। तो यहां से जेड जेड क्या हो जाएगा, कैंसल। तो आपको क्या मिलेगा, यहां पे मिलेगा हमको डी एक्स बाय एक्स, और ये निगेटिव है तो इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू जीरो। वेरिएबल सेपरेबल ऑलरेडी है, इसको इंटीग्रेट कर दो। सो ऑन इंटीग्रेटिंग करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, डी एक्स बाय एक्स प्लस डी वाई बाय वाई इज इक्वल टू जीरो। नाउ व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स इज लॉग एक्स, एंड इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वाई इज लॉग वाई, एंड कॉन्स्टेंट इज लॉग सी वन। लॉग ए प्लस लॉग बी को कैसे लिख सकते हैं हम, लॉग ए बी, लॉग ए बी, और ये बनेगा लॉग सी वन। तो हमें मिलेगा एक्स वाई इज इक्वल टू सी वन। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन जो हमने निकाला बाय यूजिंग अ मेथड ऑफ ग्रुपिंग। अभी हम तीन ग्रुप हमारे पॉसिबल थे तो हमने एक ही पहले ट्राई किया, तो एक से तो हमको सॉल्यूशन मिल गया। अभी हम दूसरा ग्रुप ट्राई करेंगे, तो दूसरा ये ग्रुप हम कंसिडर करेंगे। अगेन वेरिएबल देखेंगे हम, y और z चाहिए, y और z है, y है, लेकिन यहां पर x की टर्म एक्स्ट्रा है जो कि पॉजिटिव नेगेटिव में है और ये कैंसिल नहीं हो सकती है। तो यहां पे दो ही वेरिएबल चाहिए थे लेकिन यहां पर तीन वेरिएबल प्रेजेंट है, तो ये ग्रुप पॉसिबल नहीं है। फिर बचा हुआ फर्स्ट और थर्ड है, x और z चाहिए, x और z चलेगा, x भी चलेगा, लेकिन यहां पर y स्क्वायर है जो कि अगेन एडिशन में है जिसको हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं, तो ये ग्रुप भी यहां पे पॉसिबल नहीं है। तो तीन ग्रुपिंग से एक ही ग्रुप से हमको एक सॉल्यूशन मिला है, तो इसीलिए हमें यहां पे क्या हुआ, बाय यूजिंग अ मेथड ऑफ ग्रुपिंग हमको सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिला है, लेकिन हमको फाइनल आंसर के लिए तो दो सॉल्यूशन चाहिए। तो जो सेकंड सॉल्यूशन हमको चाहिए वो अभी कहां से आएगा, तो वो आएगा मेथड ऑफ मल्टीप्लायर से। तो ये पहला पार्ट हो गया, अभी दूसरा सॉल्यूशन हम सेकंड मेथड से निकालेंगे, दैट इज अ मेथड्स ऑफ मल्टीप्लायर। तभी इसको मैं निकाल देता हूं, सिर्फ मुझे ऑक्सिलरी इक्वेशन का काम है तो उसका यूज करके हम मल्टीप्लायर देखेंगे कौन से। ठीक, अभी मल्टीप्लायर में आपको क्या करना है, तो मल्टीप्लायर की एक स्पेसिफिक कंडीशन है कि आपको अगर तीन मल्टीप्लायर मुझे चाहिए, सपोज फर्स्ट इज एल, सेकेंड इज एम एंड थर्ड इज एन, तो अगर ये मुझे तीन मल्टीप्लायर निकालना है, सर्च करना है, तो ये एक कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। कौन सी कंडीशन, कि अगर मैंने P को इसको मल्टीप्लाई किया, Q को सेकेंड से मल्टीप्लाई किया और थर्ड को R से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे आंसर क्या मिलना चाहिए, जीरो मिलना चाहिए। और ये कैसे निकालना है हमको, ये निकालना है हमको बाय यूजिंग ट्रायल एंड एरर मेथड। तो आप P, Q, R की वैल्यू आपके पास है जो आपको मालूम है इस टाइप में है, और हमें अभी यहाँ पे क्या करना है, हमें ऐसी टर्म ऑब्जर्व करना है जिसका यूज करके ये जो रेशो है ये क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो हम पी क्यू आर के वैल्यूज देखेंगे। तो देखिए यहां पर पी की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहां पर है जेड एक्स, क्यू की वैल्यू कितनी है माइनस जेड वाई, और आर की वैल्यू कितनी है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका कुछ कॉम्बिनेशन करके इसको हम जीरो कर सकते हैं क्या, अगर ये जीरो हो गए मतलब हमारा काम हो गया। तो देखिए यहां पर वन टू थ्री फोर चार टर्म है, उसमें से वन टू दो पॉजिटिव और दो निगेटिव है, दो पॉजिटिव दो निगेटिव तो कैंसिल हो सकते हैं, लेकिन कैंसिल होने के लिए क्या चाहिए आपको, दोनों टर्म सेम चाहिए और अल्टरनेट साइन चाहिए। तो साइन तो अल्टरनेट है लेकिन टर्म को हमको सेम करना है। तो सपोज अगर मैंने इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे ये टर्म मिल जाएगी, मैंने अगर इसको y से मल्टीप्लाई किया तो मुझे ये टर्म मिल जाएगी, और इसको अगर मैंने z से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे ये टर्म मिल जाएगी। और अगर आप तीन टर्म ऑब्जर्व करेंगे तो जेड एक्स स्क्वायर जेड एक्स स्क्वायर जेड वाई स्क्वायर जेड वाई स्क्वायर, इसको अगर ऐड करूंगा मैं तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। तो कैंसिल तो हो गए मतलब, लेकिन कब हो गए, जब मैंने पहले को x से मल्टीप्लाई किया, सेकंड को y से मल्टीप्लाई किया और थर्ड को z से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको अगर मैंने ऐड किया तो सब टर्म का आंसर कितना आ गया, जीरो।
और हमको मल्टीप्लायर वही चाहिए कि जो सबको जीरो कर देगा, तो इसीलिए हमारे मल्टीप्लायर कौन से हो गए, एक्स वाई और जेड। तो यहां पे क्या करेंगे हम, एक्स वाई जेड ये मल्टीप्लायर यूज करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट कंसिडर मल्टीप्लायर एक्स वाई एंड जेड वी गेट, ठीक है। तो पहला यहां पे वैल्यू कौन सी मिलेंगे आपको, फिर ईच रेशियो इज इक्वल टू फर्स्ट मल्टीप्लायर कौन सा यूज करना है हमको, x, तो ये आएगा x dx, सेकंड y, तो ये आएगा y dy, और थर्ड z, तो ये आएगा z dz। तो पहले टर्म को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा zx square, इसको y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस है, ये zy वाई स्क्वायर बन गया, और ये यहां पे z से करेंगे तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स स्क्वायर जेड। देखिए पूरे टर्म कैंसिल हो गए क्या, तो जेड एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, जेड एक्स स्क्वायर नेगेटिव, जेड वाई स्क्वायर नेगेटिव, जेड वाई स्क्वायर पॉजिटिव, सब कैंसिल हो गया। मतलब यहां पे जो टर्म आपको मिली है इसका काम भी हो गया, ठीक। तो यहां पे जो हमको टर्म मिलेगी वो टर्म कौन सी रहेगी अभी, विच इज इक्वल टू एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड अपॉन जीरो। इसको इधर शिफ्ट करेंगे हम तो ये आएगा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इक्वल टू जीरो। और अभी क्या करेंगे हम, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। सो ऑन इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जेड डी जेड इक्वल टू जीरो। नाउ व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर बाय टू। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ वाई, वाई स्क्वायर बाय टू। एंड व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ जेड, इट इज जेड स्क्वायर बाय टू। इसको देता हूं मैं सी, सी कब क्यों दूंगा, क्योंकि यहां पे टू टू का फैक्टर सेम है तो उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस सी। और सी कॉन्स्टेंट है और टू भी कॉन्स्टेंट है तो ट्वाइस सी भी क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू सी टू। तो ये हो गया हमारा सेकेंड सोल्यूशन, इक्वेशन नंबर फोर। तो ये फर्स्ट सोल्यूशन है और सेकेंड सोल्यूशन है। तो इस प्रॉब्लम में क्या हुआ, इस प्रॉब्लम में हमने पहले ग्रुपिंग से ही देखा है कि ग्रुपिंग से क्या हो सकता है। तो मैंने तीन टाइप के ग्रुप कंसीडर करके देखा है, लेकिन उसमें से एक ही ग्रुप ऐसा निकला जो आपको एक सोल्यूशन देगा। तो एक सोल्यूशन तो हमको मिल गया बायसिंग ग्रुपिंग। अब इस सेकेंड सोल्यूशन निकालने के लिए ग्रुपिंग की मेथड तो सफिशियंट नहीं है, लेकिन फिर हमारे पास, हमको सेकेंड सोल्यूशन तो निकालना ही है क्योंकि प्रॉब्लम कंप्लीट करने के लिए आपको दो सोल्यूशन चाहिए, और हमारे पास सेकेंड मेथड भी मालूम है हमको कौन सी मल्टीप्लायर की। तो हम सेकेंड सोल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लायर यूज करेंगे। तो सेकेंड सोल्यूशन यूज करने के लिए हमने मल्टीप्लायर यूज किए, उसका भी आंसर आ गया। अभी हमको थर्ड आंसर तो निकालना नहीं है, तो फिर सेकेंड मल्टीप्लायर यूज करने का कोई काम नहीं है, क्योंकि दो आंसर चाहिए थे और दो हमको मिल गए। इन दोनों को हम कंबाइन कर देंगे और गिवन एग्जाम्पल का क्या करेंगे, हम कंप्लीट सोल्यूशन लिख लेंगे। सो देयरफॉर द कंप्लीट सोल्यूशन इज, सो देयरफॉर द कंप्लीट सोल्यूशन इज क्या होगा, फंक्शन ऑफ फर्स्ट टर्म एक्स वाई कॉमा सेकेंड टर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो, इस टाइप का सोल्यूशन। या आप इसको अलग अलग टाइप में भी लिख सकते हैं, इसको आप इंटरचेंज कर सकते हैं। मैंने ये फर्स्ट लिखा या सेकंड लिखा, आप इसको फर्स्ट लिख सकते हैं, इसको सेकंड लिख सकते हैं, चलेगा। अगर आप एक्स वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ दिस लिखेंगे तो भी चलेगा, अगर आप ये पूरी टर्म इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई लिखेंगे तो भी चलेगा। तो ऐसे वेरियस तीन चार टाइप से आप इस सोल्यूशन का आंसर निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एक मिक्स प्रॉब्लम जो हमको दोनों मेथड के रिविजन कर देगा कि ग्रुपिंग और मल्टीप्लायर। तो हर साल एग्जाम में लैग्रांजेस का प्रॉब्लम होता है चार या पांच मार्क के लिए। आपको एक काम है, आपको क्या करना है, पुराने पेपर निकालो आप, उसमें से प्रॉब्लम देखो, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, आंसर चेक कर लो अगर आपके पास आंसर अवेलेबल है तो। अगर कुछ डिफिकल्टी अगर आपको आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप मुझे पर्सनली मैसेज करके भी वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन पूछ सकते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। और क्या होगा, अगर आप पुराने एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो अगर सॉल्व करेंगे तो आपको टाइम पे थोड़ी प्रैक्टिस मिल जाएगी, और ये जो मल्टीप्लायर हमको ढूंढना है
वो आपको याद रहेगा कि अरे यार इस प्रॉब्लम के लिए मैंने ये मल्टीप्लायर यूज किए थे, तो ये मैं यूज करके देखता हूँ, क्या मालूम काम हो जाएगा आपका वो मल्टीप्लायर अगर आपको याद आ गए तो। तो इसीलिए थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, और नेक्स्ट लेक्चर में हम एक टॉपिक हमारा बचा है इस यूनिट का, वो टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।